जी थक गए, अभी तो थक गए। अरे पाजी चुनाव तो बाकी है। ओए होए क्या अंगड़ाई ले तो पाजी, चलो पाजी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत जोर है इसमें। नेता इधर खा रहे कि नहीं खा रहे? हाँ सब खा रहे। चलो आप कहाँ से हैं आप? बड़ोड़ा। बड़ोड़ा से? गुजरात से? हाय हाय गुजराती टहलने यहाँ पे भोपाल में। तो आपके यहाँ तो चुनाव हो गया, यहाँ भी चुनाव होने वाला है। तो क्या लगा भोपाल देख के, कैसा लगा आपको? अच्छा है। बड़ा मरे मरे आवाज में बोला शहर अच्छा। नहीं बहुत अच्छा। खाना नहीं खाया ना इसलिए। गुजराती खाना नहीं खाता तो बोलता नहीं है कि कैसा लगा शहर? अच्छा है। मध्य प्रदेश टूरिज्म मतलब देखने लायक। उसका वो जो ऐड आता, क्या आता है, कौन सा था वो? बहुत अच्छा लगता है। क्या है? क्या है? भारत का दिल देखो। भारत का दिल देखो भाजी, भारत का दिल देखो। बस भारत का दिल जो है बहुत तेजी से धड़क रहा है इस समय। चुनाव नजदीक है ना सर? हाँ क्या बात है, क्या नाम है साहब? शैलेश पटेल। वहीं से? बड़ौदा से? अहमदाबाद। अहमदाबाद से पाजी गए तो थे तुम? तो अहमदाबाद भी गए थे पाजी, तुम घूमते रहते हो। तो सबसे अच्छा क्या लगा यहाँ पे? हम तो एक्चुअली भोपाल में ही रहते हैं, हाँ। इसी साल शिफ्ट हुए हैं, पर भोपाल बहुत मेंटेन है, बहुत अच्छा है। अच्छा लगा। पर आए कहाँ से थे? अभी तो फिलहाल चंडीगढ़ से शिफ्ट हुए हैं गुजरात के, लेकिन बहुत अच्छा। क्या बात है पाजी, हिंदुस्तान है। चंडीगढ़ से गुजरात से है, घाट घाट का पानी पाजी ने भी, घाट घाट का पानी भी है। आयो पाजी कैसे? एकदम अच्छे सुनाई दे रहा है। कैसे? ये तो पहने हैं आप? फिर भी सुनाई दे रहा है। ये तो पहने हैं तो कैसे सुनाई पड़ रहा है? इसके बाद भी सुनाई पड़ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये हमेशा मैं लगा के ही रखता हूँ। हमेशा? हमेशा लगा के रखता हूँ। घर से निकलता हूँ, हाँ। और जहाँ पे जाना है वहीं पे निकालता हूँ मैं, उससे पहले नहीं निकालता हूँ। अच्छा, मान लो बॉस आ जाए तो? बॉस आ जाए तो अभी मैं लगा के ही रखता हूँ, ये सेफ्टी के लिए सर। इससे बॉस से और किसी से कनेक्शन नहीं है, ये अपनी सुरक्षा। 24 घंटा पहने रहो? 24 घंटा। जहाँ से मैं घर से चलता हूँ उसके बाद जब जहाँ जाना है वहाँ तक मैं पहन के ही रखता हूँ। खाते कैसे मसाला ये? नहीं नहीं नहीं, ये तो जब उस समय निकालता हूँ, एक बार जब चलता हूँ उससे पहले सब कुछ खा लेता हूँ। फिर लगाने के बाद मैं खाने से पहले, निकलने से पहले खा लिया, हाँ, और फिर लगा लिया, लगा लिया। उसके बाद कुछ नहीं खाता हूँ, कुछ भी नहीं खाना पीना। नाम क्या हो गया सर? राजीव दीक्षित। दीक्षित जी कहाँ के हो? यूपी के रहने वाले। ने वो तो हमें मालूम था यूपी के रहने वाले। हाँ। यूपी में कहाँ? कानपुर के आसपास। हाँ, हाँ, फरीदाबाद। आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी के हुजूर। आप पाजी हमारा सपना स्वच्छ भारत अपना, क्या बात है। हिसाब दीजिए देश की तबाही का, हिसाब दीजिए मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। छंद देखिए। गांव गांव जख्मी फजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। दीजिए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए, मुझको अपने किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। क्या बात है, मैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये पढ़ना चाहता हूँ आप सबकी आज्ञा से। शुक्रिया। वो कहीं तो मिले, वो कभी तो मिले, वो कहीं तो मिले, वो कभी तो मिले, ख्वाब में ही सही कुछ खुशी तो मिले, तो मिले वो कभी तो मिले। हम भी कह देंगे घर में बहार आई है, हम भी कह देंगे घर में बहार आई है, कोई डाली चमन में हरी तो मिले, तो मिले वो कभी तो मिले। पाजी शतरंज जमी है पाजी, क्या कहना, क्या कहना। फिर भाजपा फिर शिवराज। पाजी भोपाल में शतरंज खेली नहीं जाती, खेला तो खेला जाता है यहाँ शतरंज।
जमाई जाती है। अरे तो कौन हो गया ये सब? फिर मामा जी, फिर शिवराज जी। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस हारेगी, बहुत बुरा हारेगी। दोबारा मामा जी आएंगे मध्य प्रदेश के अंदर। अच्छा तो मामा जी यहाँ कहाँ है? मामा जी ये बैठे, मामा जी ये बैठे हुए। मामा जी, मामा जी को पूरा जो है शतरंज में घेर के रखा है हमने चारों तरफ से। ये मामा जी इनके जाने वाले हैं बस। कमल आने वाले की बार, आरी मसूद की बारी। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो जनाब आपका नाम? मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम साहब, आपका नाम? साहब मेरा नाम है रशीदुर रहमान अशू। अशू भाई, रशीदुर रहमान अशू भाई, क्या बात है जनाब। जबरदस्त घोड़ा जो है ढाई घर चल के बैठा है लेकिन किनारे है। कांग्रेस खतरे में, जीता था विश्वास, जीता है विश्वास, जीतेंगे विश्वास, फिर भाजपा, फिर शिवराज। गजब है भाई साहब। ये जो शतरंज खेलने वाले बगल में जो बैठे रहते हैं, उनके मतलब जो जमाने के बगल में बैठे रहते हैं पटिए जो कहते हैं भोपाल के बड़े मशहूर हैं, तो वो बड़े जबरदस्त होते हैं। क्या नाम हो गया साहब आपका? सही है, शुएब अली। शुएब अली जी। तो क्या लग रहा है इधर शतरंज में? भाजपा की जीत। गजब है भाई बाजी, एक ही सांस में बोल जाते हैं। क्या पटिए ने जो है राष्ट्रपति दिए भोपाल शहर को। ऐसे ही बातचीत चलती रहती। इस पीडीए ने बहुत सारे नेता दिए, पचोरी दिए हैं, आर्य वकील दिए हैं, मम्मा दिए हैं। मम्मा जी, सुरेंद्रनाथ सिंह जी, मम्मा दिए हैं इस पीडीए ने। जी हाँ, छोटे से मुन्ने से मम्मा ढाई घोड़ा चल के जो है आपके जो है प्यादे घोड़ा देंगे। आपके जैसे आर्य मसूद की बारी है और मम्मा का। देखिए जनाब, देखिए जनाब, ये दो भोपाली हैं तो एक ये लखनऊ वाला भी है, तो गुस्ताखी माफ हो साहब जी। बिल्कुल साहब, इस बार क्या आपने चाय की घुट के साथ बोला कि बीजेपी? बीजेपी नहीं नहीं नहीं, सिर्फ हाथ का पंजा और आर्य मसूद, आर्य वकील, पीटी शर्मा, ओनली कांग्रेस, ओनली कांग्रेस। पाजी अरे गजब, क्या पूरा टच के साथ है पाजी। ये देखिए, ये इनके मम्मा, ये मम्मा गए चेक चेक, ये मम्मा बाहर हो गए इनके। साहब मैंने जो है इनके उड़ा दिए। क्या ये उड़ा दिए मैंने? आरिफ भाई, ये इनके बाबूलाल बोल गए पाजी। और साहब ये देखिए, मैंने इनके जो है उमाशंकर गुप्ता जी को उड़ा दिया। अरे पाजी, चाय खत्म। गजब गजब खेल चलता है यहाँ पे ना। आज आप लोग नाम दे दे के खेलते हैं। जी हाँ जी हाँ, पटिए है राबी है। ये पटिए है? हाँ, ये पटिए मशहूर है भोपाल। पटिए मतलब लफाज, 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 लफाज। अरे पाजी, गया खेल खत्म होने वाला है। अब रामेश्वर की बारी है। अब मेरे जो है ना ना पाजी, बड़े क्विकली खेल है खेल। पाजी तो कहाँ फंस गए, तुम्हें तो शहर दर शहर घूमना है, तुम्हारे पैरों की तो किस्मत में यही लिखा है। और दिनों मुलाकात हुई है यार आप। क्या बात है साहब, यकीन करिएगा मैं आपकी डिबेट तो मैं बगैर क्या सुने रहता नहीं यार, सच बता रहा हूँ, खुश आमदीद आपसे कह रहा हूँ। ऊपर वाले का अल्लाह की मेहरबानी, उसी लड़के से मेरे से उसने बचा लिया। मुलाकात कर ले, राहुल गांधी जी भी आए थे चाय पी। जब से आए तो भोपाल का निजाम और दोनों चीजें बदल गई। कांग्रेस के पक्ष में चुनावी माहौल है और पूरे चाय पीते ही, चाय पीते से ही। और उन्होंने तो चाय बना दी, तो नहीं बनाई, उन्होंने चाय बनाई, उन्होंने चाय पी, उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाई थी, उन्होंने पी। चाय है आपकी जनाब? बड़ी गर्म भी है, गर्म भी है। क्या बात है हुजूर आले। और चाचा सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे? हां बहुत खैरियत, बस ऊपर वाले की बस बस हुआ है। बस बताइए क्या माहौल है? अरे साहब माल तो चुनाव का चल लिया है। हाँ तो चल तो रिया, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन क्या है कि यहाँ के पटिए तो सरकार ने सब खत्म ही कर दिए। क्या खत्म कर दिए? पटिए जो थे वो सरकार ने सब खत्म ही कर दिए। पटिए खत्म कर दिए, पटिए सब खत्म। भाई साहब मैं आपको बता दूं, पाजी जो मशहूर चीज है भोपाल के पटिए बड़े मशहूर है। पटिए पूछें क्या है? अब जैसे यूं समझ लीजिए, जैसे कानपुर में कनकैया यानी पतंग, कन्नौज का जैसे इत्र, लखनऊ की जैसे मिठास, वैसे ही भोपाल के पटिए। पटिए से और चाय और पान की दुकानें सब थी, तो वो भी पटिए से पे थी, वो सब खत्म कर। तो पटिएबाजी में करते क्या थे आप लोग? पटिएबाजी में बातें तो करते, कम से कम पटिएबाजी में सरकारें बदल दी पूरी यहाँ पे बैठ के। अच्छा, पटिए ने सरकारें बदल दी? सरकारें बदल दी साहब, जैसे तौर पे, जैसे अब मामा जी जाएंगे और चाचा जी आएंगे। मामा जी ने काम करा क्या है? काम कुछ हुआ ही नहीं है। पटिए ने हिंदुस्तान का राष्ट्रपति दिया, डॉक्टर शंकरदास शर्मा दिया, पटिए में बैठ के दिया, और वो भी हमारे पटिए में, भोपाल का पटिए। डॉक्टर शंकरदास हमारे पुराने भोपाल का संदेश गया पूरे देश में कि हमारा पुराना भोपाल एक ऐसा, हमारा कांग्रेस का अध्यक्ष राहुल गांधी जो एक स्वयं
यहाँ पर पुराने भोपाल ऐसा, जब आप समझ लीजिए आप बोले कोई ऐसा तो समझ लीजिए ये पैसा की बात नहीं कर रहा है, ये नो पैसा ऐसा तो मतलब आप समझ लो ये पक्का ये भोपाली है ऐसा। वक्त है बदलाव का। अरे बदलाव की नहीं ऐसा की बात करो। ऐसा ऐसा थोड़ा हमें कैसा हो रहा है? ऐसा हो रहा, बढ़िया लग रहा सब हो रहा, लग रहा है हवा बदल रही है, बदल रही है ना, हवा बदलेगी ना फिजा बदलेगी, फिर क्या बदलेगी? जो मौसम है वही रहेगा, जो मौसम है वही रहेगा। अरे ऐसा है ना पैसा है, जो मौसम है वही रहेगा, वही भोपाली है, यानी कि भाजपा की सरकार फिर बनेगी। नहीं साहब अभी तो बदलेगा, मौसम बदलेगा भाई साहब बदलेगा। भोपाल में किसानों का बर्बाद कर दिया शिवराज ने, हमने संबल योजना चला के गरीबों को राहत दी है, गोलियां चला के नहीं, संबल कार्ड बनाकर गरीबों को राहत दी है, ला दिया किसानों को पटिए पे ला दिया शिवराज ने, भोपाली बढ़िया है, मृत्यु पे 4 लाख, एक्सीडेंट में मृत्यु पे 4 लाख। शिवराज के राज में किसानों पे सिर्फ मंसूर से लेकर पूरे भोपाल मध्य प्रदेश में गोलियां चलवाई और मुआवजे, और सुनिए एक बात, और मुआवजे के नाम पर करोड़ों रुपए जनता के पैसे ले डूबे। भैया मध्य प्रदेश में किसान यूनियन ने जब आंदोलन किया किसानों को लेकर तो गोली चलवाते हैं शिवराज जी। अब की बार 200 बार, अब की बार 200 बार, अब की बार 200 बार, 200 बार, 200 बार, 200 बार। अम्मा तुम पहलवान हो तो तुमको दबा थोड़ी ना दोगे? इन्होंने सही कहा पेट्रोल, इन्होंने सही कहा 200 बार, 200 रुपए पेट्रोल हो जाएगा, जो सरकार आई सरकार बदल रही है। अब सुनो पटिया बाजी, सुन लो बाजी, अब शुरू हो गई। हाँ जी, अब की बार 200 बार, अब की बार 200 बार, 200 बार, 200 बार, 200 बार। देखिए पटिए से अगर रुका यार, पटिए से भोपाल की सियासत चलती थी, पटिए से इस मध्य प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति बना, इस मध्य प्रदेश का आज मुख्यमंत्री भी पटिए से, मगर आज वो पटिए ही खत्म हो गए। अब 200 पार की बात तो अलग है, पूरी भारतीय जनता पार्टी भोपाल उत्तर के अंदर जो प्रत्याशी लाई है वो भी मोहन जोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से लाई है। भाई पटिया, जैसे तुम ये बताओ मुझे कि पटिया बाजी के लिए बड़ा मशहूर है ये भोपाल, तो पटिया बाजी, हाँ, तो इसमें क्या होता है? भाई पटिए में बैठ कर हम सरकार बना देते है? सरकार बना देते रात में, और यहाँ पर रणनीति तैयार करते हैं, और हमारे प्रत्याशी जो यहाँ से लड़ते हैं वो जीत के जाते हैं। अच्छा, वो रात में सरकार बना देते हो, सुबह क्या कर देते हो? सुबह भी हमारे सुबह क्या देते हो? मैं राहुल गांधी जी का सम्मान करता हूँ, और इस बात के लिए मैं सम्मान करता हूँ कि उन्होंने अपने अध्यक्ष काल में पूरे 29 चुनाव हरवाए, कांग्रेस को सारे चुनाव हरा दिए, 29 चुनाव, कितने? 29 चुनाव, 29 चुनाव हराए राहुल गांधी, काफी दम मार रहे हैं अकेले ही शिवराज जी को और प्रधानमंत्री जी को लेके, बाकी तो सब ये कब मार रहे 200 बार को, भैया कहाँ जा रहा है वो पतली गली से? सही बात है, बिल्कुल कोई दम नहीं मार रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों के लिए ऐसी ऐसी योजना, गरीबों के बिल माफ करवाए, कितनी राहत दी है, कितनी राहत मिली है भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से गरीबों को कितनी राहत मिली है? जिन लोगों पे कर्जा था, जो मतलब रो रहे थे, फांसी लगा रहे थे, उन लोगों के कर्जे माफ करे, बिजली के बिल माफ करे, सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने माफ करी, बिजली के बिल माफ करे, ₹36,000। किसान आत्महत्या में मध्य प्रदेश में नंबर एक पर है, मध्य प्रदेश पूरे देश में किसान किलो गल्ला खरीद रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बांट रही है किलो गल्ला, पूरा गरीब, पूरा हर आदमी भारतीय जनता पार्टी में 1 रुपए किलो गल्ला उसको सरकार में, कांग्रेस की सरकार में किसी ने किलो गल्ला नहीं बचा। कुपोषण में, बलात्कार में, हर चीज में नंबर एक पे कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। किसानों के गोली, बलात्कार में नंबर वन, भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज जी चौहान ने 40% का पेट्रोल पर टैक्स लगा रही है वेट के, और आज के तारीख में 937 रुपए का सिलेंडर आ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ यहाँ मध्य विधानसभा से लेकर पूरा भोपाल के अंदर भूमि पूजन के अलावा कुछ दूसरा काम नहीं करा, और अभी भी जितने भी मिशन इन्होंने चलाए हैं, स्वच्छता अभियान का मिशन ले लो, चाहे भोपाल को नंबर वन बनाने का मिशन ले लो, सारे मिशन इनके दिखा दे के थे। जब इंदौर नंबर वन पे आएगा तो ये खामोश को बैठ जाते सफाई के मामले में। आज विकास का काम इतना शानदार हो गया है कि चारों तरफ से रोड बन रहे हैं, हम गाड़ी लेके जाते थे, बहुत गंदे होते थे। सुनिए, अगर सुनेंगे नहीं तो नहीं। हाँ जी, आज विकास का काम इतना शानदार हुआ है कि हम गाड़ी पहले चलाते थे, इतने खट्टे थे कि हम गाड़ी नहीं ले जा सकते थे, बहुत मेंटेनेंस होता था गाड़ी का।
आज आंखें बंद करके भी गाड़ी चलाते हैं, आंखें बंद करके गाड़ी चलाते हैं, बिल्कुल चले जाते हैं। बहुत शानदार रोड बना के रखा हुआ है भाजी। ये पटिया बात जो भी हो, ये पटिया वाले कुछ भी हो, अरे बाप रे बाप भाजी, क्या बात है, 15 लाख आ गए क्या? 15 लाख मोदी जी ले गए, तो जेब में हाथ है ना? वो तो खाली जेब है इसलिए हाथ अंदर रख रहे हैं भाजी। पटिया यहाँ के बड़े मशहूर हैं, है जनाब? तो पटिया में क्या होता जनाब? पटिया में बैठते हैं, पटिया तोड़ते हैं, पटिया मतलब पाटा तोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, मगर 15 लाख नहीं आए आज तक। कितनी बार, कितने पाटे तोड़ दिए? अरे बहुत पटिया तोड़ दिए साहब भोपाल में तो, मगर ये 15 लाख नहीं आए आज तक। 15 लाख आ जाएंगे, मोदी जी कह रहे हैं तो मुगेरी लाल के सपने तो दिखाते रहेंगे मोदी जी। मशहूर है अरे खां और अरे यार। अच्छा, ये प्यार झलकता है इसमें, अरे खां अरे यार। अरे खां अरे यार कहां जा रहे हो? अरे खां इधर आओ, ये बहुत मशहूर है पटिए के। अच्छा, साथ साथ बोलिए 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 बोलिए। अरे खां कहां जा रहे हो? अरे अरे खां कहां जा रहे हो? अरे खां आपसे बाइक लेना, इधर आ जाओ थोड़ी सी। अरे खां इधर, अरे तो आप तो हमारे लखनऊ के। अरे यार वीआईपी भी तो चलो, वो भी बहुत अच्छी जगह है, अरे खां वहां बहुत मजा आएगा। अरे यार बहुत मजा आएगा, क्या बात है, आपको रोज शाम को डिबेट देखता हूं मैं। अरे खां अरे मियां सोच ले पहले, अरे खां अरे यार अरे यार अरे यार इधर आओ भाजी, अब तुमको अरे यार बोला करूंगा। अरे यार इधर यार, ये प्यार है, अरे यार इधर आइए, प्यार है, प्यार की भाषा है। अरे यार जरा इधर तो आओ, फिर से जरा नजाकत के नफासत के साथ बोलिए, इधर तो आओ। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद साजिद। इश्क किया है कभी, मोहब्बत की? नहीं नहीं सर। ऐसा ऐसी मायूसी से क्यों बता रहे हो? अरे सर बस हुई नहीं, क्या करें, बताओ आप। तो हुई नहीं तो क्या वो बोलो? प्रेशर इतना था सर, प्रेशर इतना था कि काम धंधा क्या करें, नहीं करें, कोई प्रेशर प्रेशर नहीं बना पाए सर, प्रेशर बहुत था, फ्यूचर ही नहीं बना पाया। 15 लाख आएगा, प्रेशर खत्म होएगा। अरे वो पता नहीं कब आएंगे साहब 15 लाख, उस चास में और देखो आप, ये सफेद बाल होगा, पता नहीं 15 लाख कब। इश्क तो किसी उम्र में भी हो सकता है। अरे सर अब तो मेरा निकाह भी होगा, शादी होने वाली है। पाजी इधर आओ, अरे यार इधर आओ, और दूसरा अरे खां अरे यार आइए, अरे आइए। कहाँ से आप, कहाँ से आई? यहीं से हैं, ईदगाह हिल से रहते हैं सर। यहाँ रहने वाले नहीं, आप भोपाली नहीं है? भोपाल के। पक्का भोपाली है? चाय पी लीजिए मियाँ। हाय हाय, क्या एक आदमी मिला मुझे इतनी देर में भोपाल में, कहता चाय पी लीजिए मियाँ। एक बात और याद आई, अब आप भोपाली नहीं पूछी, अब आप ये पूछी क्या बर्रू कट भोपाली है? आप बर्रू कट भोपाली? बर्रू कट जो यही पैदा हुआ है, जो यही पैदा हुआ है, बर्रू कट भोपाली जो यही पैदा हुआ वो बर्रू कट भोपाली। पान खाना पसंद करेंगे आप? जुमराती इतवारा, इतवारा या बुधवारा में हुआ है? सादा मसाला 120, तमाम चटनी चाय के बाद, चाय के बाद। क्या भोपाली है भाई, सुनते हुए आ ही जाते हो कैमरा लेके। तो जी क्या रहेगा इस बार साहब, आप तो बीजेपी से हैं जी, भारतीय जनता पार्टी चौथी बार मध्य प्रदेश लॉटरी प्रचंड बहुमत के साथ जी, एकदम ये एकदम भोपाल शहर में जिस प्रकार से आप घूम रहे हैं अभी सुबह से, मुझे जी 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 अलग जगह जी 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 जी, जो सड़कों का जाल देख रहे हैं, भोपाल का विकास देख रहे हैं, राजा भोज के तस्वीर भी देख कर आए, अब वीआईपी रोड भी देख कर आए, ये सब भारतीय जनता पार्टी के विकास 2003 के बाद का है। यहाँ पहले इस तरह का कुछ वातावरण था नहीं, जिस मार्केट में आज हम खड़े हैं ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है, ये सबको दिख रहा है, जनता हमारे साथ है, जनादेश हमारे साथ है, हम प्रचंड बहुमत से वापस लौट रहे हैं। मध्य प्रदेश की आज आप हालत देखिए, मध्य प्रदेश में यदि किसान आंदोलन करते हैं उनकी गोली मार के उनके शव बिछा दिए जाते हैं, यदि दलित आंदोलन करते हैं उनके शव बिछा दिए जाते हैं, मध्य प्रदेश में व्यापम का नाम कोई ले ले उसके शव बिछा दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में आज जनता ये नहीं समझ पा रही है कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी का राज है या कि मध्य प्रदेश में शिवराज आज कायम है। गजब है भाई, आप तो बिल्कुल एकदम थर्ड डिग्री पे ही बोलते हैं, बड़े गजब बोलते हैं सर। जनता का अच्छा बोलते हैं ना सर, अच्छा बोलते हैं ना ये? हाँ अच्छा बोलते हैं। क्या नाम है? और सच्चा बोले है? मेरा अशोक गुप्ता नाम है। कहाँ के गुप्ता जी? यही के हैं, एमपी के हैं। अच्छा कब से आ गए इधर? मेरे को 20 साल करीब हो गए। अच्छा तो इधर से ही काम वाम चल रहा है, क्या काम कर रहे हैं? पोस्टर का काम चल रहा है। पोस्टर का? तो पोस्टर तो आजकल खूब चपके हैं, सब आ रहा है ना, अभी दिवाली में बेचा, खूब बेचा है। बड़ा जबरदस्त बोला साहब आपने, क्या होगा? देखिए मैं समझता हूँ कि केवल अनर्गल बातें करना, भाषण में बाजी करना, चिल्लाना चोटना, यही कांग्रेस की रीति नीति रह गई है। यदि आंकड़ों पे बात करेंगे तो ये विकास पे बात नहीं कर सकते। और बता दें कि डीमोनेटाइजेशन का क्या फायदा हुआ, हर चीज का जश्न मनाते हैं, जीएसटी का जश्न मनाते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बढ़िया। इस बार कांग्रेस की सरकार 100% आ रही है। अच्छा 100%? तो कहाँ जा रहे हो? बाजार घूम रहे हैं। रुको यार थोड़ी देर। अरे रुकेंगे साहब, यहीं घूम रहा है दिन भर। अच्छा अच्छा ले लिया। कांग्रेस सरकार है जनता से, जनता से आवाज आ रही है, कांग्रेस सरकार ये हमारे खड़े हुए प्रजातंत्र
प्रायोजित लोग नहीं है। जनता से आपने पूछा, रैंडमली किसी से भी पूछिए, कांग्रेस की सरकार आ रही है। कितने साल से जूते गाँट रहे हो तुम यहाँ? 10 साल से। 10 साल से क्या नाम हो गया तुम्हारा? मेरा नाम है नंदू, पूरा नाम है नंदकिशोर बामने। नंदू उर्फ नंद किशोर बामने, पूरा नाम उर्फ नंद किशोर बामने। कहाँ है दुकान? ये सामने है अपनी। चलो तुम्हारी दुकान पे चले, यहाँ बहुत हल्ला होता है। आओ नंद किशोर बामने, आए आए आओ नंद किशोर बामने, आ जाओ नंद किशोर बामने, ये शोरूम है नंद किशोर बामने का जी। नंद किशोर बामने तो कितने साल हो गए? 10 साल करीब। 10 साल में कौन बड़ा बड़ा नेता यहाँ बैठा? कभी कई बार बैठे। कई बड़े बार नेता, कई नेता बैठे। और तुम यही बैठे रह गए? नेता सब चले गए? सब चले गए। और पहली बात है कि यार आदमी जो बोलते हैं ना कि कांग्रेस गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट से संबंध नहीं है, पहली बात बीजेपी गवर्नमेंट ने करा क्या ये बतलाइए। ये बहुत जानदार करा क्या? व्यापार घोटाला, रेत घोटाला, इतने नर्मदा माँ को घोटाला कर दिया, उनकी साथियाँ छल्ली कर दी। अब बोलिए आप बताइए ना मुझे, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ लेकिन सब चीज़ जानता हूँ। सवाल ये है कि नंदू यहाँ 10 साल से अपने इस छोटे से फुटपाथ पर बैठते हैं, इनका तुम्हारा तुम्हारी तकदीर कुछ नहीं बदली यार? हमारी तकदीर एक ही जगह है, अपन को जूते पॉलिश करना और सिर्फ वोट देना है बस। वोट देने जरूर जाएंगे आप? वोट देने जरूर जाएंगे, ये तो नियम है। हाँ। जब चाहे कांग्रेस का चाहे बीजेपी का, उससे संबंध नहीं है। क्या बात है नंदू, 10 साल से जूता काटते हैं, न्यू मार्केट में बैठते हैं, तमाम लोग आए, तमाम लोग गए, हाथ जोड़े कितने लोगों ने, हाथ खोले कितने लोगों ने, लेकिन कितनों की जेब भारी हुई, कितनों की पतली हुई, नंदू को ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही रहे आप। वैसे ही रहे, क्या मतलब है किसी के सामने हाथ फैलाने से? ये बतलाइए, अभी मेहनत करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, बात आपने। लेकिन नंदू कभी कभी ये लगता है ऐसा, जब आप सड़क पे निकलते हो, गुजरते हो दाएं बाएं से, ये कुछ तो बदलना चाहिए, मेरी भी तकदीर बदल। बदले के जीवन में नहीं बदल सकती मालूम है, सब नेता अपनी अपनी जेब भरने चाहते हैं। सब अपनी अपनी जेब भरना चाहते हैं। आपने 50 लाख रुपए लगाए ना चुनाव के अंदर, तो पहले 50 के 1 करोड़ करने चाहोगे? पाजी पाजी हंसने की बात नहीं है, बेहद गंभीर बात है। 50 लगाए तो 1 अंदर चाहिए पाजी। और ये बात फुटपाथ पे कही जा रही है, टालिएगा मत, क्योंकि ये सच्चाई है। अगर 50 लगाए हैं तो 1 करोड़ चाहिए, और यही भ्रष्टाचार पनपता है। तो चुनाव जो है कमाने का धंधा है, धंधा है। और नेतागिरी सब फोकट वाली है, सबको सबको दिखा, सब पावर में चाहते कि मेरे पावर में रहूं, बाकी कुछ भी नहीं है। और लीगल चीजें ही है सब कुछ जो आदमी को बचाती है, लीगल चीजें। आज मैं आपसे झूठ बोलूंगा तो कल मैं पकड़ा जाऊंगा। पाजी हाशिए का आदमी है, हाशिए का गांव तो दिखाया था ना, ये हाशिए का आदमी है, बिल्कुल हाशिए पे बैठा, रोज यही बैठता है पाजी, 10 साल से यही बैठता है। आपकी निगाह नहीं जाती नंदू पे, क्योंकि आपकी निगाह हमेशा आसमान पर होती है। और ये कितनी सच्ची बात बोलता है, कहता है लीगल चीजें ही जो होती है वही सच्ची होती है। और पाजी आप चुप्पी बहुत काफी है पाजी। नंदू हंसते हैं, बाजी जीवन का खेल यही। बाजी चले आओ, कहाँ कैमरे के चक्कर में फंसे हो तुम भी, सेल्फी सेल्फी खेलते हो बाजी, आदमी सामने खड़ा तुम सेल्फी सेल्फी खेल रहे हो। बाजी अरे भाई 20 साल से विधायक हैं, क्या बात है, बड़ी शख्सियत हैं भोपाल में, क्या मध्य प्रदेश में जाने जाते हैं। आरिफ भाई 20 साल तजुर्बा क्या कहता है इस बार? निश्चित ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, लोग भ्रष्टाचार से, बलात्कार से, और जो उनका अवैध उत्खनन है उससे तंग है। ये तो सब बोल रहे हैं, मुझे ये बताइए आरिफ भाई इस बार मंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे अगर सरकार बनेगी तो? ये तो मेरे पार्टी के वरिष्ठ लोग फैसला करेंगे। अरे आप तो ज्यादा वरिष्ठ कौन है, 20 साल से विधायक हैं, वहाँ तो जुम्मा जुम्मा कुछ ऐसे हैं जो फट से लड़ते हैं, फट से हार जाते हैं, यहाँ तो 20 साल से आप हैं। सुप्रीमो अध्यक्ष होते हैं वो सुप्रीमो जो फैसला करेंगे। अच्छा मन में कहीं कोई अंदर सी आती है कि अगर सरकार बन जाए तो? सरकार बन जाए तो मध्य प्रदेश की जनता की सेवा हो जाएगी। क्या बात है, इनकी पहचान एक बताए पाजी क्या है, ऐसे कम लोगों की पहचान होती है, पैर में स्लीपर ऐसे ही कुर्ता, हाथ में स्कूटर, यही है ना आरिफ भाई सर, यही तस्वीर बनती है ना सर। क्या बात है, बड़ी मीठी बात बोलते हैं, मुझे तो लगता है ये भोपाल क्या, ये लखनऊ और भोपाल के मिली जुली बात है, बड़ा मीठा बोलते हैं भोपाल। लेकिन आपके सामने जो लड़ रही हैं मोहतरमा जी, तो बड़ा तो यंग है। हाँ। उनके वालिद शायद आप वो भी कांग्रेस में थे।
अब उधर चले गए। अब वो कांग्रेस में थे, उनका स्वर्गवास हो गया, उनकी बेटी है। तो वो बीजेपी चली गई। बीजेपी वालों के पास कोई नहीं मिला मेरे मुकाबले में खड़ा करने के लिए है? तो उन्होंने कांग्रेस कितने नाम लिए, कहाँ कहाँ विज्ञापन दिए, कहाँ कहाँ ढूंढे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी मेरी विधानसभा सीट को गोद लिया। तो मैंने कहा गोद मत लो भाई साहब, पैदा हो जाओ यहाँ पे, तो मुझे मजा आए इलेक्शन लड़ने के लिए। भग गए खुल रहे, धीरे धीरे खुल रहे, मजा आ रहा है ना, धीरे धीरे खुल रहे। यानी गोद ना लो, यही पैदा हो जाओ, लड़ लो, यही लड़ लो, नहीं लड़ लो। तो क्या बोले, वो नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ते तो फॉर्म भरते ना सर। क्या बात, क्या नाम हो गया? मोहम्मद बशीर। हाँ जी, मोहम्मद बशीर। मोहम्मद बशीर साहब है, ये भी आनंद ले रहे हैं। एक ही शेर आरिफ शेर, एक ही शेर आरिफ शेर, आरिफ शेर मोहम्मद। अच्छा, कोई शेर वेर भी सुनाना चाह रहे हैं क्या? तो इरशाद कुछ कहिए। आजकल के नेताओं का ये है कि ख्वाब में लो कि दिखा कर मेरी बेजा ख्वाहिश, मेरी हस्ती को गुनाहों की तरफ लाती है। मुजरिमाना मेरी फितरत तो नहीं थी, लेकिन मेरी मजबूरी मुझे जुर्म पे उकसाती है। मेरी मजबूरी मुझे जुर्म पे उकसाती है, क्या बात है साहब। भोपाल में तो जिससे भी कह दीजिए एक शेर पढ़ देता है। आप भी कुछ पढ़ना चाहेंगे? हाँ जी इरशाद। जिंदगी दी है तो जीने का सलीका देना, जिंदगी दी है तो जीने का सलीका देना, पांव बख्शे हैं तो तोफी के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब जो बोलूं तो मेरी बातों में असर तू ही देना। अब जो बोलूं तो मेरी बातों में असर देना, क्या बात है हुजूर अली, क्या बात है। तो नौजवान भी खड़ा है, आरिफ साहब को देखते हो, कुछ सीखते हो? जी, ये हाथ में बस यही गले में यही डाल के घूमते हो? उनको देख के ही तो चलना है, देख के चल रहे हो। क्या सीखा तुमने इनसे? इनके नक्शे कदम पे जरा सा घमंड तकब्बुर नहीं करते हम लोग। टका जरा सा नहीं, जरा सा नहीं है, जरा सा नहीं, गुरूर कहीं नहीं, कहीं नहीं है। अच्छा, तुमने तो सदरी बढ़िया पहनी है गुरु, वैसे जींस भी अच्छी पहनी है। देख रहे हो चाचा को कैसे घूमते, ऐसे नेता मिलते हैं कहीं नहीं? फिर पूरे मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगा। फिर क्या बात है, क्या बात है साहब। तो आपने कहा सामने आपके जो खड़ी हो, तो आपके दोस्त भी थे वो तो पुराने? मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़े थे वो, लेकिन दोस्त तो थे ना, पार्टी के थे ना। हाँ, तो दोस्त भी थे। आप उनकी बेटी सामने है, तो फिर क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी वाले लोग तो जिंदगी से बंटवारा करके काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग डिवाइड एंड रूल पे अमल करते हैं, बांटो और मतलब ऐश करो। अब उनको कुछ मिला नहीं, कहीं उनकी पार्टी में कोई नर मिला नहीं जिसको लड़ाते, तो वो मेरी पार्टी से, मेरी एक तरीके से भतीजी, उसको तोड़ के ले गए, उसको मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। और ये भग जाएंगे अब मैदान में, उसको भी छोड़ के किसी और को सपोर्ट करेंगे। इनका इनकी बातों पर न जाओगे क्या कहते हैं, इनके कदमों को देखो कि किधर जाते हैं, इनके कदमों को देखो कि किधर जाते हैं, यही तजुर्बा होता है। क्यों साहब जी, क्या नाम है साहब आपका? मोहम्मद अशर। क्या लगता है इस बार? इस बार जमाना जब्त होगी बेशक। हाँ जी बिल्कुल, स्टैचू तो आपने बिल्कुल वैसे ही बना रखी है, है? क्या जनाब, क्या बात है, देख रहे हैं जी? क्या देख रहे हैं, जवानी यही होती है। सही, अब बुढ़ापा। अप्पा जी पकौड़े खा लो, तो दोपहर होते ही होते तुम्हें भूख लगने लगी। हाँ जी क्या बात है, अरे हे पाजी उधर चाय गर्मा गर्म और इधर पकौड़े, क्या बात है, बड़ी मशहूर दुकान है साहब। मूंगफली खा रहे हैं? हाँ मूंगफली खा रहा ना, बढ़िया मूंगफली है, बढ़िया बढ़िया। कहाँ गए आप? मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। अच्छा, इधर आते रहते हैं? आते रहते, मैं तो 35-40 साल से इधर ही रहता। अच्छा, हाँ मैंने गोविंदपुरा में, गोविंदपुरा में। तो आप क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? कहेगा चुनाव का? हाँ चुनाव का बीजेपी आना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ हाँ, कह रहे हैं इस बार थोड़ा मुश्किल मुका चुनाव। वो तो कितना भी हो गया, अभी मोदी साहब आ गए सब घूम जाएगा, और मोदी साहब के आते ही माहौल चेंज हो जाएंगे। तो साहब ऐसा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही आएगा इस बार, सपाक्स। सपाक्स के सिवा कोई भी नहीं है इस बार। सपाक्स मतलब? हाँ पार्टी, हाँ सपाक्स पार्टी। सपाक्स पार्टी के सिवा कोई भी चुनाव नहीं जीतेगा यहाँ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सपाक्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के सामने आई। अरे वो क्या जी, नहीं आएगा, नकाल में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? चेहरा में हा? अरे चेहरा पहचान में नहीं आएगा, इसलिए नकाल। बोलो चेहरा पे, क्यों काम पे जा रहा है? तो काम पे जा रहे हो क्या, मतलब चेहरा बंद क्यों किया? धूप देखो ना कितनी है धूप। अच्छा रंग काला हो जाएगा, तो
तो बहुत सुंदर हो गए तुम तो। बहुत सुंदर, ब्यूटी पार्लर जाते रोज सुबह शाम। नहीं नहीं आ जाओ भैया, चलिए हटो तो ज्यादा अपन काम। कहाँ जा रहे हो? फील्ड पे जा रहा है। काम करते हो फील्ड का? और चेहरे से डरते हो? बहुत डरते, धूल मिट्टी बहुत है। तो मतलब फील्ड पे कहाँ, मुंबई में काम करो फिर? मुंबई में नहीं, भोपाल में। चेहरा दिखाओ यार एक बार। जरूरत नहीं चेहरे की, क्या करेंगे। अच्छा घर वाले तो ये कहते हो चेहरा दिखाओ, एक बार चेहरा दिखाओ। वो दिखाते घर पे, लड़कियों को दिखाते हो शादी के लिए है? हो तो बताओ, फोन को दिखाते है? और अरे दिखा यार, तुम तो आदमी अच्छे। एक बार नहीं नहीं होती। हाँ बच्चे हैं तो जिद करेंगे, हम तो तुम बूढ़े आदमी हो, हमसे उम्र में बड़े हो। कहाँ है बड़े, तो चेहरा दिखाओ तभी तो पता चलेगा तुम बड़े कि हम बड़े। नहीं आप बड़ो, हम नहीं है। तुम एक बार चेहरा दिखाया? नहीं नहीं बोलेंगे तो मान जाएगा। हाँ सब लोग बोलो यार, चेहरा दिखा दे। हाँ दिखा दो, दिखा दो, फोटो मिलो, ताली बजा अच्छे से। कैमरा ले जरा। अच्छा तो ये चेहरा तुम नखरा दिखा रहे देते हैं। हाँ प्लीज गिव मी ऑटोग्राफ, माय फादर इज अ फैन। मैं जरूर दूंगा, जरूर दूंगा, जरूर दूंगा। लेकिन आप ये भोपाल से हैं? हाँ जी मैं भोपाल से हूँ और हम आपका बिल्कुल देखते हैं, और मेरे पापा को पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे कि मैं आपसे मिलके आई हूँ। वेल थैंक यू सो मच। आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत पसंद आती है। छत्तीसगढ़ का भी हमने आपको देखा था। हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो पापा से मेरा नमस्ते बोलिए जी। प्लीज आप बोल दीजिए रेवरेंट एस एल सोना। बोल दीजिए उधर, बोल दीजिए आप प्लीज। आप प्लीज बोलिए ना, रेवरेंट एस एल सोना है। और फादर नेम? रेवरेंड एसएल सोना। एसएल सोना जी। जी तो इनकी बेटी यहाँ पे मौजूद है, भैया जी कहीं देखते हैं। और सर मैं आपको, और आपके बहुत बड़े फैन है। तो मैं आपको बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बोलते बोलते तुम्हारा भी गला भराता है पाजी, लेकिन नेता चलता रहता है, चलता रहता है। आप इनसे मिल लीजिए, फातिमा सिद्दीकी जी हैं, बीजेपी से लड़ रही हैं, गाली के लिए जाना पड़ रहा है, घर घर में जाना पड़ रहा है। लेकिन आपकी आपकी तो विरासत में है जी, बिल्कुल, जी बिल्कुल। आपके वालिद चुनाव लड़ते, तो अभी मैं चचा से मिलके आ रहा हूँ आपके, वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था मैंने उनको भी हराया था और इनको भी हराएंगे, बीजेपी वाले इस्तेमाल करते हैं। नहीं बिल्कुल चचा हैं अब जैसे हैं, और बहुत इज्जत करती हूँ मैं उनकी, और वाकई मैं उनके आगे बच्ची हूँ, ये सही है, सच है। मगर यहाँ पे अब रिश्ते नातों की बात नहीं करें, ये तो चुनाव का मैदान है। क्या बात है, सब यही रह जाते हैं, नाते रिश्ते सब रह जाते हैं चुनाव के सामने। जी वो इसलिए क्योंकि देखिए, अच्छा पहले मैं एक बात और आपकी क्लियर कर दूं। आपने बोला आरिफ अकील साहब ने हराया मेरे वालिद साहब को, तो ऐसा खैर नहीं हुआ था जी। वो उस जमाने की बात है जब रमेश भैया गुट्टू शर्मा जी जी वो भी खड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी से, और हमारे वालिद साहब कांग्रेस से, और माननीय विधायक जी हमारे चचा मियाँ जी, हमारे चचा मियाँ जो हैं वो उस टाइम निर्दलीय खड़े हुए थे जी। तो वो उस टाइम ऐसे हालात बने थे कि वो रमेश भैया जीते थे, भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और उन्होंने नहीं हराया। बहरहाल वो 20 साल से हैं, चचा मियाँ ने नहीं हराया, नहीं हराया। बहरहाल अब देखो चचा झूठ बोल रहे हैं, कौन झूठ बोल रहा मुझे जाने, अल्लाह भैया जाने, अल्लाह पाक जाने। और भोपाल की हिस्ट्री आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे भोपाल में कोई हिस्ट्री देखिए, यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलता। अब सभी सब सच बोल रहे हैं, तो अब बहरहाल बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी, बड़े बड़े खैर थे वो, बड़े हिसाब से कह रहे थे कि कहीं बीजेपी इस्तेमाल ना करके आपको रास्ते में छोड़ दे। बीजेपी इस्तेमाल ना करके रास्ते में छोड़ दे? हाँ। नहीं नहीं नहीं, इंशाल्लाह ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम कुछ अंदर से आपके चोट करा रही है, बीजेपी की बारी है। क्या आपके चोट करा रही है, बीजेपी की बारी है। क्या बात है, चोट करा रही है, अब किस बीजेपी की बारी है। युवा जोश बीजेपी के साथ है। क्या बात है, के साथ है। क्या बात है, लेकिन वहाँ पे मैं जब गया था जी जी, शुक्रिया 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 जी 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 जी, चाचा बात कर ले। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ लेकिन यार क्या हुआ कि आपने कहा कि जो करने वाला होता उसी के साथ होता है ऊपर वाला, तो अब सवाल ये है कि बीजेपी में जब आप आई यहाँ पे हैं, तो ये तो पहला चुनाव है आपका और उधर तजुर्बा है, ये आप मानती हैं, तो कैसे इसका भरपाई होगी? जब वो पहली बार इलेक्शन लड़ा था हमारे चाचा मियाँ ने, तब एक कभी तो पहला इलेक्शन लड़ा होगा, लड़ा होगा,
ठीक है जी। और उसके बाद वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, किसी को तो हराया होगा, तजुर्बेकार लोग जो थे उनको ही हराया होगा। जी 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 जी, मेहनत करी हाँ, अल्लाह की मर्जी हुई और सबसे बड़ी बात नियत और दिल साफ रखता है। अगर जैसे मुझे अभी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसलिए टिकट मिला क्योंकि मेरी नियत, मेरा दिल एकदम साफ है और मेरा सब्र जो बहुत ज़माने से कर रहे हैं हम लोग, तो क्या अल्लाह ताला ने उसका रिजल्ट दिया है और जीत के दिखाएंगे। कभी कभी नेता भावुक हो जाता है, कोई बात उसको याद आ जाती है, मैं जानता हूँ यही हुआ यहाँ पर। अब हर चीज़ पूछी नहीं जाती, हर चीज़ पाजी दिखाई नहीं जाती, कुछ ऐसे हालात, कुछ ऐसी बात होती है, कुछ ऐसे मौसम होते हैं जिनको बस सिर्फ देखा जाता है, महसूस किया जाता है। ये तो ऊपर वाला जानता है और ये जानती हैं कि क्या बात थी, कौन सा लफ्ज था, कौन से ऐसे बात थे, जज्बात थे जो आते आते आँखों में दिख गए। बस पाजी इसको यहीं छोड़ दो, आपको अच्छी लगती है? बहुत कम जगह मिलती है भाई, चाय पिलाओ मुझे भी। कौन सी पिलाओगे चाय? बताइए कौन सी पिएगी। बढ़िया चाय पिलाओ यार, कोई भी पिलाओ, लेकिन मसाला टी, लेमन टी। लेमन टी पिला दो, चलो बढ़िया रहेगा। क्यों साहब क्या कह रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं आप, क्या पीना चाहिए मुझे? लेमन टी पीना चाहिए, मसाला टी? लेमन टी, लेमन टी, लेमन टी ज्यादा अच्छा रहेगा। लेमन से, लेमन टी सबसे बढ़िया रहेगी, अभी विंटर चल रहा है वैसे ही। हाँ, जिंजर टी, लेमन टी, लेमन टी। अच्छा इधर तो लेमन टी जी। नमस्ते सर, क्या बात, कैसे हैं आप? आपने तो कुल्लू कैप निकाल ली। अगर आप पूछ रहे हैं मुझसे कैसे हैं तो मैं एक ही जवाब दूंगा, नॉट बेटर देन यू, आपसे अच्छा नहीं हूँ। अच्छा हाँ, आजकल लोग पूछते क्यों है आप कैसे हैं, हाँ। वो अगर ये कह दे कि मैं अच्छा हूँ तो वो बोलेंगे साला ये अच्छा है, मैं खराब हूँ। हम दोस्ती एहसान और वफा भूल गए। हम दोस्ती एहसान और वफा भूल गए। जिंदा तो है मगर जीने की अदा भूल गए। जिंदा तो है मगर जीने जिंदगी का जीने जिंदा तो है मगर जीने की अदा भूल गए। क्या बात है, पहले हम दीवारों के बीच में रहा करते थे जी, पहले हम दीवारों के बीच में रहा करते थे, अब हमारे बीच में दीवारें। लोग कहते हैं कि पहले दिलों में, पहले दिलों में दरार पड़ती है फिर जाके कहीं दीवार खड़ी होती है। तो सार की बात यह है कि वोटर ये कहता है कुछ इस तरह से बदलाव आने चाहिए, कुछ इस तरह से, ये खतरनाक है, इसको सेंसर मत करना। कुछ इस तरह से कत्ल होगा हमारा किस्तों में। क्या बात है गौर साहब, कुछ इस तरह से कत्ल होगा हमारा किस्तों में, कभी खंजर बदल जाएंगे तो कभी कातिल बदल जाएंगे। आप पाजी जीत करो, वोट करो, यही 28 नवंबर को शाम हो गई, पाजी शटर बंद करो।